नमस्कार मित्रों, कुंभ राशि के लिए 2024 कैसा होगा? देखिए 2024 आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन बहुत स्ट्रेस वाला रहेगा, थोड़ा भागा दौड़ी रहेगी। गुरु तृतीय भाव पर है, आपसे छोटे जो भी है यह आपको निकम्मा कहेंगे, आपको आपकी कार्य क्षमता नहीं है, आप काम कर नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ न कुछ ऐसा तीखा चुभता हुआ शब्द का प्रयोग आपके ऊपर होगा। अगर आपकी आयु 20 साल से 32-35 साल के अंदर है तो शायद आपको आपके परिवार से अलग भी होना पड़े। हमने इसको कहा था टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम नियर एंड डियर, आपको अपने परिवार से अलग भी होना पड़ सकता है। काम के लिए भी हो सकते हैं, पढ़ाई के लिए भी हो सकते हैं, लाभ के लिए भी हो सकते हैं, ऐसा एक योग आ रहा है। अब रही बात की ऐसे समय पर आपको आपके परिवार में शांति बनाए रखनी है, विवाद नहीं करना है, आपके परिवार में हल्का हल्का विवाद होगा। लाभ के पक्ष को देखा जाए तो आपके परिवार में लाभ तो बना हुआ रहेगा, आपके व्यापार में भी लाभ होगा, देश विदेश के व्यापार में भी लाभ होगा, लेकिन बहुत दौड़ाया जाएगा, भगाया जाएगा, तुरंत फायदा नहीं होगा, धीरे धीरे लाभ होगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कठोर समय है, कठिन समय है, लेकिन पास हो जाएंगे अच्छे मार्क से, थोड़ी मेहनत करनी है। राजनेताओं के लिए कठोर पद मिलेगा, कठोर पद मिलेगा, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जन्म शनि है, जन्म शनि आदमी को बहुत परेशान करता है, भागा है, पैसा देता है। और राजनेताओं को विशेषकर आप कोई भी पद में है या सरकारी नौकरी में भी है तो आपको अपने से नीचे रहने वालों से थोड़ा बचकर चलना है। माताओं और बहनों के लिए शुभ समय है, घर में विवाद न करें, जरूरत नहीं हो तो कोई भी ऐसी बात न करें जिससे विवाद हो। क्या उपाय किया जाए? देखिए भगवान शिव की रोज आराधना करें, उनको रोज जल दे, इससे रोग मुक्ति होगी, पीड़ा मुक्ति होगी। और पीपल के वृक्ष की सोमवार से शनिवार तक पूजा करें, पानी दे, दीपक लगाए, हफ्ते में 6 दिन, रविवार के दिन आप नहीं करेंगे। और शनिवार के दिन कुत्तों और कौओं को कुछ न कुछ खिलाएं तो आपका यह 2024 बड़ा आनंदमयी बीतेगा। मित्रों, आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपके मित्रों को भी कहिए इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि